हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कैबेज यानी पत्ता गोभी की सब्जी आलू मटर के साथ। पत्ता गोभी एक बहुत ही हेल्दी सब्जी है। पहले भी मैंने यूट्यूब पर लो कैल कैबेज स्पाइसी कैबेज सब्जी मैंने यूट्यूब पर अपलोड की है, आपने देखी होगी। यह लो कैल सब्जी आज हम इसका कॉम्बिनेशन आलू मटर के साथ कर रहे हैं पत्ता गोभी का, और इसमें हम लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे, जिससे कि ये हम किसी भी तीज त्योहार पर भी बना सकते हैं आसानी से और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। तो आइए अब हम पत्ता गोभी और आलू मटर की सब्जी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। और इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी सारी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। कैबेज या पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए राई, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, एक आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने, छील कर काटा है इसे, अदरक को थोड़ा ग्रेट कर लिया है, एक हरी मिर्च बारीक टुकड़ों में कट कर ली है, नमक, ये मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, सीजन में आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं, फ्रेश हरे मटर, पत्ता गोभी 250 ग्राम पत्ता गोभी है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और तेल हमें लेना है। पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे, 1/2 टीस्पून, राई थोड़ी सी फूटने लग गई है, गैस को धीमा कर देते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ आलू। आलू इसलिए हम पहले ले रहे हैं कि आलू को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, इसलिए हम आलू को तेल में हल्का सा सौते भी कर लेंगे और ढककर भी हम इसे पका लेंगे। यदि हम इसको पत्ता गोभी के साथ पका लेते हैं तो पत्ता गोभी ज़्यादा गल जाएगी और फिर सब्जी हमारी उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। आलू को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको ढक देती हूँ और 2 मिनट के लिए हम पहले आलू को पका लेते हैं थोड़ा सा। अब 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे बाकी के मसाले कर देते हैं। आलू हल्के से फ्राई हो गए हैं इसमें तेल में, अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, आप मसाले आपकी इच्छा से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे 1 टीस्पून, आप इसमें भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक मैंने क्रंच के लिए इस तरह से टुकड़े लिए हैं, आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्च को पीस कर भी ले सकते हैं, पर इस तरह से क्रंच ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ग्रेट करके मैंने अदरक लिया है और हरी मिर्च बारीक टुकड़ों में कट करके ली है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ हरे फ्रोजन मटर है मेरे पास, ये मिला रही हूँ, जब सीजन हो तो हम फ्रेश मटर इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा मटर आलू और पत्ता गोभी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में अब हम इसमें मिला देंगे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, बहुत ही अच्छा कलर भी आया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। कभी कभी बिना प्याज लहसुन की बिना ग्रेवी वाली सिंपल मसालों वाली सब्जियां भी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, खासकर तीज त्योहार पर इसे बनाना बहुत आसान भी होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट और अच्छी फीलिंग आती है बहुत बिना मसालों वाली सब्जियां। अब मैं इसे थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, नमक डाल के हम पत्ता गोभी को भी पका लेंगे। थोड़ा सा हमें ढककर पकाना है, अभी ये थोड़ी सी पक जाएगी तो श्रिंक हो जाती है सब्जी, मॉइस्चर इसका बाहर निकलता है, इसको हम ढककर पकाएंगे। अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हम सब्जी खोल के देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सब्जी भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। बस कोई से भी सब्जी हम बनाते हैं तो बस यही ध्यान रखना चाहिए कि सब्जी हमारी गलनी नहीं चाहिए, पक तो जाए पर गले नहीं, थोड़ा सा क्रंच रहे सब्जी में तो वो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हमारी सब्जी एकदम रेडी है, आप चाहे तो इस पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही प्लेटिंग करती हूँ इसकी,
ये हमारी कैबेज या पत्ता गोभी या आलू मटर की सूखी सब्जी रेडी है, जिसे आप फुलके या चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।